सिंह राशि वालों के लिए 12 फरवरी से ग्रहों का कौन सा नया खेल शुरू होने वाला है, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ग्रहों का गोचर जो बना हुआ है सिंह राशि वालों के लिए, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा या निगेटिविटी भरेगा, इसकी जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि 12 जनवरी से प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी बन रही है कि आपकी कुंडली में शनि देवता अस्त होने वाले हैं। ये 12 फरवरी को अस्त होंगे और शनि देवता उदय जो हैं ये 17 मार्च को उदित होंगे। ये 12 फरवरी से लगा करके 17 मार्च का राशिफल है सिंह वालों के लिए। तो अगर आपको अपनी लग्न पता है तो यह राशि फल आप अपने लग्न कुंडली के अनुसार देखिएगा। अगर मान लिया आपको अपने लग्न के विषय में जानकारी नहीं है तो चंद्र के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हो। चंद्र राशि भी अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। आपकी कुंडली में शनि देवता 12 फरवरी को अस्त हो जाएंगे। ये सातवें भाव में बैठे थे और यहाँ पर जब लग्नेश के द्वारा ये अस्त होंगे तो कई प्रकार के आपको शुभ और अशुभ दोनों फल मिलते हुए दिखाई पड़े। शनि का सप्तम भाव में अस्त होना एक तरफ जहां आपको पॉजिटिविटी देगा, क्योंकि लग्न पर लग्नेश की दृष्टि रहेगी तो बुद्धि में सकारात्मकता आप महसूस करोगे, फ्री माइंड होकर के काम कर पाओगे, जो भी डिसीजन लोगे इस अवधि में आपके सही साबित होंगे। तो वहीं पर सूर्य शनि और बुध का कॉम्बिनेशन सप्तम भाव में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में यदा कदा डिस्टर्बेंस भी उत्पन्न करेगा, यानी कि नोक झोंक की स्थिति भी पैदा करेगा। आपकी कुंडली में शादी के योग तो वर्ष पर्यंत बने रहेंगे, लेकिन इस अवधि में हो सकता है योग कमजोर जब पड़ेंगे तो आपको बातचीत करने में भी सहूलियत महसूस ना हो। मंगल और शुक्र दोनों ग्रह इस अवधि में आपके रहने वाले हैं छठे भाव में, और छठे भाव में जब ये गोचर करेंगे तो मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक हैं, सुख समृद्धि के मालिक हैं। चौथे भाव से तीसरे जा रहे हैं, यानी कि सुखों की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। और भाग्य स्थान से अगर आप काउंट करोगे तो मंगल देवता दशम बैठे हैं, यानी इसका मतलब ये रहा कि भाग्य बढ़िया तरीके से आपका साथ देता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मंगल और शुक्र के प्रभाव से इस समय एक काम आपका और बनेगा कि शुक्र जो दशमेश हैं अपने स्थान से नव पंचम का योग बना करके बैठे हैं, जिसका पॉजिटिव रिस्पांस आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होती रहेगी। खास करके अगर आप नौकरी करते हो तो स्थितियां आपके लिए उत्तम बनी रहे, क्योंकि उच्च का मंगल एक तो एक चौथी दृष्टि से अपने ही घर को भाग्य भाव को देख रहा है और दूसरी चीज शुक्र अपने स्थान से नौ पंचम का योग बना करके बैठे हुए। तो नौकरी करने वालों की नौकरी बढ़िया चलती रहेगी, नौकरी अगर ढूंढ रहे हो तो उसमें भी रिजल्ट आपको पॉजिटिव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, गुरुदेव बृहस्पति की भी इस समय मेहरबानी रहेगी और लग्नेश भी मेहरबान है, दशमेश भी मेहरबान है। इसका मतलब ये रहा व्यापारियों के लिए भी राहत वाला समय रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हो तो इस अवधि में थोड़ा आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पार्टनर से मतभेद हो जाना, विचार न मिलना या पार्टनर आपके साथ विश्वासघात कर दे, इस प्रकार के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस अवधि में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है, एक तो एक लग्नेश की लग्न पर दृष्टि रहेगी तो वहीं पर मंगल की अष्टम दृष्टि भी आपके लग्न पे रहेगी, यानी कि मस्तिष्क में गर्माहट आप कह सकते हो। दो अग्नि तत्व के ग्रह जब लग्न पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जातक हो या जातिका उसके अंदर क्रोध की अधिकता अधिक हो जाती है, और जब गुस्सा अधिक होता है तो जल्दबाजी के चलते जातक या जातिका ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से
आगे चल के उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात अगर करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, दोनों में ही स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, भरपूर मात्रा में लाभदायक स्थिति बनी है जिसका आप फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा संतान प्राप्ति के सुंदर योग आपके कुंडली में मई तक बने हैं, तो अगर संतान प्राप्ति चाहते हो तो आप प्रयत्न करिए, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि मई से जैसे ही गुरुदेव आगे बढ़ जाएंगे संतान प्राप्ति के जो योग हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे, तब उस समय आपको फिर एक साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप प्रेमी जोड़े हो तो प्रेम आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लव लाइफ में सक्सेस आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। करियर मैंने बता ही दिया है, बढ़िया आपका चलेगा। अगर बात करें शेयर सट्टे से जुड़े लोगों के लिए, तो जो लोग शेयर में निवेश करते हैं चाहे लंबे समय के लिए या ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, स्थिति उनके लिए ठीक ठाक बढ़िया बनी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के शत्रु बहुत ज्यादा हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर प्लस पॉइंट बना हुआ है, शत्रुओं से आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और यदि कोर्ट कचहरी वाद विवाद में आप फंसे हो तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप यात्राएं करना चाहते हो तो योग आपके लिए अच्छे बने हुए हैं, यात्राएं आप करिए, यात्राओं से लाभ मिलेगा, क्योंकि देश विदेश जाने के भी योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर बात करें कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो भैया स्वास्थ्य आपका पूरा समय 12 फरवरी से लगा करके और ये जो 15 मार्च तक, 17 मार्च तक का स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्वास्थ्य आपका जो है जबरदस्त तरीके से अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा अब बात करें जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं या जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं, उनके लिए भी स्थिति सुंदर बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें फाइनेंशियल स्थिति की, तो भैया आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवता या अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक और धन का मालिक बन जाता है बुध देवता, और बुध देवता केंद्र में बैठे हैं, परम मित्र के साथ बैठे हैं और परम मित्र की राशि में बैठे हैं। आय स्थान से 9 पंचम का योग बना करके बैठे हैं, इसका मतलब ये रहा कि मल्टीपल तरीके से सोर्स ऑफ इनकम आपकी होती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, पैसा लगातार आपके पास आता रहेगा। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है कि बुध वाणी स्थान से छठे होने के कारण वाणी दोष इस समय बढ़ा रहेगा, तो आपको चाहिए अपनों से, अपने परिवार से वाणी संभाल करके बात करिएगा तो अच्छा है, वरना अपनों से आप मतभेद कर लो। उपाय क्या करोगे, लग्नेश शुभ अवस्था में है, गुरुदेव बृहस्पति पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, तो ऐसे में सूर्य देवता को एक बार जल देने की आदत डालो। और अगर देर से सो करके उठते हो तो जब भी सो करके उठते हो, अगर आपकी सिंह लग्न है तो सूर्य देवता के सामने खड़े होकर के ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 51 बार जप कर लो, ताकि जीवन में नेम फेम पॉपुलरिटी भी आपको मिले, स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहे, वर्चस्व आपका बढ़े। कल मिलेंगे, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।